मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। माहिम हत्याकांड में सेक्स एक्सटोर्शन का एंगल सामने आया है। नागपुर से दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। माहिम बीच पर मंगलवार देर शाम एक व्यक्ति के चाकू मारकर हत्या करने के दो दिन बाद गुरुवार को नागपुर से दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि मृतक की पहचान मोहम्मद वसीम शेख 30 वर्षीय के रूप में हुई है और इसके पास कुछ अश्लील वीडियो थे और कथित तौर पर किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था जिससे उसकी हत्या हुई है। माहिम थाने के अधिकारियों ने गुरुवार देर शाम में मुंबई लाए गए दो आरोपियों को हिरासत में लिया और उनमें से एक की पहचान कामरान उर्फ कम्मू के रूप में हुई। पुलिस ने कहा है कि गुवंडी निवासी शेख और उसकी प्रेमिका समुद्र के तट पर गए थे और तभी गुवंडी के दो संदिग्धों ने उन पर हमला कर दिया था। पुलिस सूत्रों ने कहा है कि उसकी प्रेमिका का इस यौन शोषण के मामले से कोई लेना देना नहीं है। कथित हमलावर जो उसी इलाके के रहने वाले हैं और शेख को जानते थे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि शेख ने किसी अज्ञात व्यक्ति के यौन व्यवहार से संबंधित कुछ वीडियो उसके पास थे और पैसों के लिए उसे ब्लैकमेल कर रहा था और यही कहते हुए कि इससे समुद्र तट पर लड़ाई हो गई और अंततः शेख की हत्या हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने क्या कुछ जानकारी दी है सुनिए। खुद के सुलझाइए, क्या कुछ अधिक जानकारी। माहिम पुलिस स्टेशन में रात को 2 तारीख की रात को ऐसी इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक महिला एक बाबा हॉस्पिटल में गई हैं, उनको इंजरी हुई है। उनको जब हम मिले उन्होंने ऐसा बताया कि उनके साथ उनका दोस्त वे दोनों महम किले के पीछे के जो टेट्रापॉड्स है उस एरिया में बैठे थे, तब उनके ऊपर अटैक हुआ था। ये कहानी को वेरीफाई करते हुए हमारी डिटेक्शन टीम ने इस तरीके से जब उनको बार बार पूछा तो वर्जन बार बार चेंज हो रहा था, तो उसके बेसिस पे फिर से जब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया वहाँ पे कुछ जो तथ्य सामने आए उसमें CCTV फुटेज का एनालिसिस किया, CDR एनालिसिस किया, तो हमें पता चला कि इसमें दो लोग और इन्वॉल्व हैं, दो आरोपी ऐसे सस्पेक्ट समय सामने आए। उनको जब हमने ट्रेस करना शुरू किया तो उसमें ऐसा पता चला कि ये सभी जो हैं डिसीज प्लस आरोपी ये सब गोवंडी के रहने वाले हैं। गोवंडी ईस्ट में जो है अपना, और गोवंडी से ये लोग सब रात में माहिम तक का इन्होंने ट्रेन टिकट लिया, वहाँ से ये दरगाह की तरफ आए। दरगाह पे दर्शन करने के बाद ये वहाँ पे बैठे थे और वहाँ पे ये जो कृत्य है मर्डर, ये दो जो हमने जो अभी आरोपी अटक किए हैं कमरुद्दीन और बालकिशन, इनके द्वारा हुआ है। और प्राइमा फेसी जो अभी तक की इंटरोगेशन है उसमें जो लड़की है उसका भी हाथ है ऐसा प्राइमा फेसी सामने आया है। उसको वेरीफाई अभी करना ज़रूरी है क्योंकि वो खुद भी इंजर्ड है, उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं मिला है, तो जब आएंगी तो उनसे पूछताछ में वो भी हम वेरीफाई करेंगे। इस तपास में जो दो आरोपी हमने अटक किए हैं वो उसी रात गीतांजलि एक्सप्रेस पकड़ के नागपुर की तरफ रवाना हो गए थे। ये हमारे सामने आते ही हमारी टीम ने तुरंत यहाँ से मूवमेंट शुरू किया और इनके पीछे जाते हुए उनको नागपुर से अटक किया, नागपुर से इधर लेके आए। और इस तरीके से एक माहिम पुलिस स्टेशन की तरफ से एक अच्छा डिटेक्शन हुआ है और बहुत ही फास्ट विदाउट एनी मिनिमम उसमें टाइम में हमने इसे डिटेक्ट किया है। अभी हमारे ताबे में दो आरोपी हैं, उनका PCR हमें आई थिंक 8 तारीख तक मिला है और आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो तथ्य सामने आएंगे। प्राइमा फेसी ये बताया गया है कि वसीम जो है वो भी, ये सभी ड्रग एडिक्ट्स हैं, इनको नशे की एक आदत है और वसीम जो हैं ये हर बार उनसे पैसे की डिमांड करते थे और कहीं ना कहीं वो पैसे की डिमांड ज़्यादा होने की वजह से फाइनली इनका जो मन में एक द्वेष था तो उसके उसमें राग में आते हुए उन्होंने ये कृत्य किया।